हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये हैंडगन तो ठीक है लेकिन ये हाई रेंज की गोलियां हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोलियां सरहद पर सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं और शूटिंग रेंज के खेल में हाई रेंज की गोलियां इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और हम कानून के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। ओके गाइस, रेडी? यस सर। अब आप सभी लोग अपने अपने शूटिंग गॉगल्स और हेडफोन लगाएं। अब आप सभी लोग अपने अपने बंदूक उठाएं और अपने कंधे से लगाएं। आंख टारगेट पे और हाथ ट्रिगर पे, और जब मैं तीन बोलूं तो आप फायर कर देना। देखता हूं कौन कितना बड़ा निशानेबाज है। एक, दो, तीन। सर रोहित को गोली लगी। अरे कहां लगी थी गोली? शोल्डर पे। अरे ओ गॉड, मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराओ नहीं। ईशान, ये क्या किया तुमने? मार दिया इसको। Have you gone mad? तुमने सटेंडर पे गोली क्यों चला दी? इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो सर, आप सही कह रहे, जल्दी 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 चलो चलो। ये आपने सही नहीं किया ईशान। अरे बकवास मत करो, हां इसमें जान की गलती नहीं है सिर्फ। तुम लोगों को मालूम था ना यहाँ शूटिंग रेंज में फायरिंग हो रही है, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर पर इसमें इन लोगों की क्या गलती है? ये लोग तो रेंज से हट के खड़े थे। गलती तो ईशान की है, इसे इतना टेढ़ा निशान क्यों लगाया? हाँ, खुद को स्टेट लेवल का शूटर कहते हो तुम? हर शूटर को ये सिखाया जाता है कि हैंडगन चलाना कितने जिम्मेदारी का काम है। करेक्ट। और तुम इतने सीनियर शूटर होने के बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो? ईशान तुम तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर इस अटेंडेंट को कुछ हो जाता है ना तो तुम तो बुरे फंसे। मैं अकेला क्यों फंसूंगा? अरे फंसेंगे तो ये भी। अरे दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अरे ऊपर से कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो, लेट क्यों हुआ? लेट क्यों हुआ? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, आ गया हूं ना। अंदर आ जाओ। अंदर? मैं अंदर आ गया हूं। सामने एक रूम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बोल। अब सामने टेबल पर एक फोन रखा है, जब तक इसकी घंटी नहीं बजती हिलना नहीं यहाँ से। ए सुन, तू मेरे साथ क्या कठपुतली का गेम खेल रहा है? ए, जितना बोलता हूँ उतना कर, अपना मोबाइल फोन निकाल के रख बाहर। हेलो। हाँ
मियाँ क्या कर रहे थे? सर मैं तो एक लड़की की मदद कर रहा था, वो बेचारी अपने पति को ढूंढ रही थी और मुझे कहा कि इस मिल के अंदर आके ढूंढो। मैं यहाँ पे आ गया और मुझे आते से यहाँ पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ भाग के आ गया। जब तुम यहाँ पे आए थे इन दोनों लाशों के अलावा किसी और को भी देखा था? नहीं सर। आप जानते हैं कि दोनों कौन है? सर पता नहीं सर। आप इस मिल के मालिक है और आप जानते नहीं कि दोनों अंदर कैसे आए? सर यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इनको मरने के लिए मेरा ही मिल मिला था क्या? खामखा मुझे परेशानी में डाल दिया। और सर ये मिल तो 5 साल से बंद है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और ये फोन भी बंद पड़ा हुआ है। कोई वॉचमैन नहीं है यहाँ पे? सर था एक वॉचमैन लेकिन बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से वो 1 महीने पहले गांव चला गया। भैया जिस तरीके से लाशें पड़ी हुई हैं और जैसे गोली लगी है इस आदमी को, लगता है उस औरत ने गोली चलाई है इस पर और उसके बाद इस औरत ने आत्महत्या कर ली। तो क्या इन दोनों को गोलियां उसी गन से लगी हैं? अब ये तो बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर एक और बात समझ में नहीं आ रही, अगर उस औरत को इस आदमी को मारकर आत्महत्या ही करनी थी तो इस मिल में ये टेबल कुर्सी फोन इस सब का इंतजाम क्यों किया होगा? ये बैलेट मिला इसके पास। इस आदमी का नाम ज्ञान है सर, जू में रहता है और इस औरत की तस्वीर इसके वॉलेट में है सर। सर कहीं ये प्यार का मामला तो नहीं? हो सकता है, पर उसके लिए ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? सर एक और बात, मैंने इस ज्ञान का मोबाइल फोन चेक किया, इसमें आखिरी 15 कॉल्स किसी प्राइवेट नंबर से आए हैं। प्राइवेट नंबर से? इस ज्ञान का इतिहास निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो औरत है कौन और उसने इसे क्यों मारा। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? ज्ञान जी? नहीं नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर, इन्हें किसने मार दिया? इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये कौन है? जी ये रूपल जी हैं, ईशान की मम्मी। आप में से कोई बता सकता है कि ज्ञान जी और रूपल जी के बीच में क्या संबंध है? देखिए हमें शक है कि रूपल जी ने ही ज्ञान जी का खून किया है और फिर खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। सर रूपल जी और ज्ञान जी की तो सगाई हुई थी और वो दोनों अगले ही महीने शादी करने वाले थे, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन ईशान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये ईशान कहाँ है? जी वो रहा। क्या हुआ सर, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया और ये लोग कौन है? हम लोग CID से। ईशान हमें आपसे आपकी माँ रूपल जी और ज्ञान जी के बारे में कुछ बातें करनी है। देखिए सर आपको मेरी मम्मी के बारे में जो पूछना है पूछिए, मगर मुझे ज्ञान जी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए ईशान खून का मामला है, थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। खून? किसका खून? ज्ञान जी का। क्या? पवन मिल्स में हमें उनकी लाश मिली है, किसी ने उन्हें गोली मार दी है और हमें तो मैं क्या करूं? मैं मानता हूं कि मैं उनसे नफरत करता था पर मैंने उन्हें नहीं मारा। जी नहीं आपने नहीं, लेकिन आपकी माँ ने उन्हें मारा और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या माँ ने आत्महत्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी ईशान मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपकी माँ ने आत्महत्या की होगी? बिल्कुल नहीं सर, वो तो कितनी खुश थी सर, हमेशा की तरह टाइम पे उठी, योगा किया और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गई सर, ये नहीं हो सकता सर। संभालिए अपने आप, आपको ज्ञान जी के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज हमें बताइए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें एक अटेंडेंट को हल्की सी चोट लग गई थी,
उस अटेंडेंट को जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब ज्ञान जी को एक फोन आया। वो फोन सुनते ही ज्ञान जी बहुत घबरा गए थे, नर्वस होकर तुरंत ही यहाँ से चल दिए। गए कहाँ थे आपको पता है? जी नहीं, कहाँ गए इसका पता नहीं चला। कितने बजे गए थे ज्ञान जी यहाँ से? तकरीबन 12 बजे। सर, ईशान सर पहले ही चले गए थे, ज्ञान जी से भी पहले। सर, सर रूपल जी ऑफिस गई थी और ज्ञान जी शूटिंग रेंज से निकले, फिर ये लोग पवन मिल्स कैसे पहुंचे? और फिर ज्ञान जी को फोन किसने किया होगा? लेकिन ज्ञान जी को मारने के बाद रूपल जी ने आत्महत्या क्यों कर ली? इन सभी सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। पाल संभाल लेना, मैं फायर करने जा रही हूं। मैम, हाँ ये देखिए, 3 घंटे में 3 बार रिपोर्ट निकाली, फिर भी रिजल्ट वही आ रहा है। क्या रहा रिजल्ट? मैम आप खुद चौंक जाएंगी, देखिए तो सही। ये देखिए। अरे ये क्या, जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा निकला। रूपल की मौत ज्ञान जी की मौत के 6 घंटे पहले हुई है। चेक कर लो अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। यस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैडम अपने फार्म हाउस में आराम करने गई होगी, तो अक्सर शनिवार रविवार जाया करती थी। आप उनके ड्राइवर हैं, आपको लेकर नहीं जाती थी क्या? सर जाती थी साहब, लेकिन इस बार पता नहीं। साहब उनकी मौत कैसे हुई? उनके सिर पे गोली लगी है और ज्ञान जी के सीने में। हमेशा क्या कि उन्होंने आत्महत्या की है? नहीं साहब, वो आत्महत्या क्यों करेंगी? क्या ये तो पता चल ही जाएगा। आखिरी बार कब देखा आप लोगों ने मैडम को? साहब कल सुबह, कल सुबह मैं खुद इन्हें ऑफिस छोड़ने गया था। कितने बजे? सर 9 बजे। 9 बजे, उसके पहले और उसके बाद में क्या क्या हुआ याद करके बताओ। जो चीज तुमको जरूरी नहीं लगे वो भी बताना, सब कुछ डिटेल में। ओके साहब, वो दिन मैडम लेट उठी थी, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो गई और बगैर नाश्ता किए ही गाड़ी में आके बैठ गई। फिर 9 बजे मैं उन्हें ऑफिस लेके गया, फिर मैडम का 10:30 बजे फोन आ गया कि गाड़ी निकालो, फिर मैं उन्हें जम्बो मॉल लेके गया। जम्बो मॉल? सुबह सुबह ऑफिस का काम छोड़ के 10:30 बजे वो मॉल चली गई। साहब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं गई। क्यों, तुम्हें साथ क्यों लेके जाएंगे? पिछले 3 सालों से वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी उनका सामान उठाने के लिए। अच्छा, मतलब मॉल जाने का कोई प्लान नहीं था उनका, अचानक चली गई वहां पे। सर, पापा। सर लगता है रूपाली जी आत्मघाती स्वभाव की थी। ये देखिए, नाइट स्लीप 30 mg, ये नींद की गोली है सर, बहुत पावरफुल। डॉक्टर कुंदन, साइकोथेरेपिस्ट।
पिछले एक साल से दवाई खा रही है। इधर आओ सर। ये रूपल मैडम किस चीज की दवाई खा रही थी, क्या बीमारी थी? अक्सर उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन 6 महीने से उनकी हालत में काफी सुधार था। सर सही देखिए, रूपल जी के लोकर में पिस्टल मिली लाइसेंस के साथ। लाइसेंस पिस्टल, इसका मतलब रूपल जी ने आत्महत्या नहीं की? सर मैं कुछ समझा नहीं। अगर उन्हें आत्महत्या करनी होती तो अपनी पिस्टल से करती ना, या अपने घर में करती। घर से इतनी दूर मिल में जाके आत्महत्या क्यों करेंगे? सर हो सकता है रूपल ज्ञान जी को मारना चाहती थी, इसलिए इतनी दूर मिल में गई। ज्ञान जी को भी मारने के लिए अपनी पिस्टल साथ में लेके जाती विनीत, ये मामला कुछ और ही है। सर आपको किस पे शक है? फिलहाल तो सारी कड़ियां बिखरी हुई है, शॉपिंग मॉल, नींद की गोली, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस्ड गन। इन कड़ियों को जोड़ने पे ही पता चलेगा ज्ञान जी और रूपल जी के साथ क्या हुआ था। सर ज्ञान जी और रूपल जी दोनों टॉक नाउ कंपनी का मोबाइल यूज करते थे, और मोबाइल कंपनी के मैपिंग के हिसाब से रूपल जी कल दोपहर 1 बजे जंबो मॉल में थी पंडारा रोड पर, और तब से उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। और ज्ञान जी? सर ज्ञान जी की लोकेशन ये देखिए सर। हाँ, 1 बजे शूटिंग रेंज से निकले और 2:30 बजे पहुंचे पंडारा रोड, और वहां से सीलिंग होते हुए बांद्रा लिंकिंग रोड से जू सर्कल पहुंचे 5 बजे, और 5:30 बजे वहां से निकल कर 6:30 बजे पहुंचे पवन मिल। पवन मिल, और 6:30 से 7:45 तक ये किसी से फोन पे बात कर रहे थे, किसी प्राइवेट नंबर पे। उसके बाद इनका फोन बंद हो गया सर, क्योंकि उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। मतलब ज्ञान जी और रूपल जी दोनों अलग अलग टाइम पे पंडारा रोड पहुंचे थे। सर ये भी तो हो सकता है कि ज्ञान जी भी जंबो मॉल ही गए हो। हम अगर क्यों और किससे मिलने, और वो आखिरी कॉल किस अनजान शख्स का था जिससे ज्ञान जी ने इतनी लंबी बात की? जी सर, आज हमें किसी भी हालत में स्टॉक्स की पूरी डिटेल मैनेजर को देनी है। जी सर। एक्चुअली मैं ये काम पिछले हफ्ते ही हो जाना चाहिए था, पता है तुम्हें? सर आई एम सॉरी सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसके लिए मैं नहीं आ पाया था सर। जानता हूँ मैं। अब ऐसा करो जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी गोलियाँ स्टॉक में हैं और कितनी हैं। जी सर, ये 315 बोर की सर 21 गोलियाँ हैं, और इसी का कर्टन एक पैक है सर इधर। सर ये 12 बोर की 50 गोलियाँ हैं, और ये हैं 9mm की इंपोर्टेड रिवॉल्वर की गोलियाँ। कितनी हैं? 35। और सर 9mm पिस्टल की गोलियों का बॉक्स है 2, 3। ये क्या, ये बॉक्स तो खुला हुआ है। हाँ सर, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर मुझे लगा कि ये बॉक्स आपने खोला होगा। अरे पागल हो गए होगे तुम, अगर ये बॉक्स मैंने खोला होता तो क्या मैं तुमसे सवाल करता? और ये क्या, इसमें 6 गोलियां गायब है, कहाँ गई वो 6 गोलियां? सर मुझे नहीं मालूम सर। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर। तो फिर क्या करूं, तुम्हारे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है यहाँ से गोलियां ले जाने की? सर मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और सर 5 सालों में एक भी खाली कारतूस इधर से उधर नहीं हुआ। सर ये 6 गोलियां मैं क्यों चुराऊंगा सर, मैंने नहीं की चोरी सर इसकी। देखो रतन। जी सर। यह कानूनन अपराध है, और अगर इन गोलियों की वजह से कुछ हो गया ना तो उसके लिए हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए मुझे इस बात की रिपोर्ट मैनेजर को करनी होगी। और हाँ, वो कल तुम शूटिंग रेंज से कहीं बाहर नहीं गए थे क्या? हाँ सर, सुबह में मैं शूटिंग रेंज का दरवाजा खोलकर बाथरूम तक गया था सर, तो सर मैंने देखा कि
ईशान और जिया इधर आए। ईशान और जिया, वो भी सुबह सुबह। सर मैंने भी तो ये सवाल उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अंदर चले गए। सर उन दोनों का सुबह सुबह यहाँ आना और शाम को मिस्टर ज्ञान का खून हो जाना, ये दोनों बातें संयोग नहीं हो सकती रतन। सर आपका मतलब है कि ईशान ने ही ज्ञान जी को? डॉक्टर तारिका प्लीज मजाक मत कीजिए, ये हो ही नहीं सकता। फ्रेडी से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आइए दिखाती हूँ। ये देखिए, रूपल की मौत दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच हुई थी और ज्ञान जी को शाम को 6 और 7 बजे के बीच मारा गया था, ठीक उसी गन से जो गन हमें रूपल के हाथों से मिली थी। तो मतलब पहले रूपल जी का खून किया गया दोपहर को और उसके बाद ज्ञान जी को मारा गया शाम को और फिर उसी गन को मरी हुई रूपल के हाथों में थमा दिया। मतलब रूपल जी ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने प्लानिंग के साथ खून किया है उसका। हाँ, इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। रूपल के पेट में से मुझे अजीनोमोटो, सोया सॉस और विनेगर के कुछ अंश मिले। डॉक्टर तारिका, ये सारी चीजें तो चाइनीज खाने में होती ना? हाँ फ्रेडी सर, रूपल ने मरने से पहले चाइनीज खाना खाया था और इसके पेट में से मुझे भारी मात्रा में सिपॉक्सिन मिला है, जो नींद की दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन्होंने नींद की गोली ली थी? ली थी या धोखे से दी गई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जाहिर है जो इंसान नींद में होता है वो आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक तौर पे वो इतना होश में ही नहीं होता है कि वो आत्महत्या कर सके। सर जहां पर रूपल जी ने चाइनीज खाना खाया था वो नींद की गोलियां शायद वहीं पे दी गई होगी। हो सकता है फ्रेडी, दया सर को इन्फॉर्म कर देता हूं। हेलो दया सर। सर हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में तो पूछ चुके हैं, वहां किसी ने रूपल जी को नहीं पहचाना। देखते हैं शायद यहाँ कोई पहचान ले। ध्यान रखना आगे जैसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब। सर टेबल फॉर कपल सर। नहीं हम लोग खाना खाने नहीं आए, कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? कैसा सवाल? देखिए हम लोग CID से। सॉरी सर। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, हमें थैंक यू बोलने का मौका दीजिए। अच्छा ये बताइए कि परसों दोपहर को एक आदमी और एक औरत यहाँ खाना खाने के लिए आए थे और उसी दिन उनका खून कर दिया। श्रेया खून? जी ये दो। शैलेश। हाँ सर बोलिए। कल ये दोनों हमारे रेस्टोरेंट में आए थे ना? अरे ये औरत जिसने शेजवान फ्राइड राइस और मंचूरियन ग्रेवी का ऑर्डर दिया था और खाते आते उनको चक्कर भी आया था, खुद भी गिर गई थी और प्लेट भी नीचे गिरा थी। हाँ सर इसी की वजह से तो आपने रसोईया को डांटा भी था। साथ में आदमी भी था ये? नहीं साहब आदमी ये नहीं था, आदमी और कोई था, 30-32 साल उम्र होगी और पढ़ा लिखा लग रहा था। वो दोनों कितने बजे आए थे? करीब 12 बजे। दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक मैडम भविष्य होकर गिर गई, हम सब बहुत घबरा गए, लेकिन वो आदमी बिल चुका कर फटाफट मैडम को लेकर निकल गए यहाँ से। मतलब औरत जानबूझ के बेहोश नहीं हुई है, नींद की दवाई दी गई थी उसे। पेमेंट कैसे किया इन लोगों ने? क्रेडिट कार्ड से सर। क्रेडिट कार्ड से? क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए हमें जल्दी। ये गोली आप लोगों में से कोई पहचानता? यह है बैलिस्टिक रिपोर्ट, जो 6 गोलियां शूटिंग रेंज से गायब हुई हैं, ये उनसे मैच करती है। बोलो जिया तुमने ही चुराई थी नहीं गोली? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो, कल सुबह सुबह ईशान के साथ तुम ही आई थी ना यहाँ? हाँ सर ये बात सच है कि कल मैं और ईशान सुबह सुबह जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोई चोरी की हो। इनफैक्ट मैं तो अपनी जगह से हिली तक भी नहीं थी। बट यस, ईशान लगभग 15 मिनट के लिए कहीं गायब हो गया था, है ना ईशान? नहीं मैंने मैंने किसी को नहीं मारा। भागने की कोशिश भी मत कर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। सर ये सच है कि 6 गोलियां मैंने ही चुराई थी, क्योंकि मैं ज्ञान सर से नफरत करता था और नहीं चाहता था कि वो मेरी माँ से शादी करे, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया।
नहीं नहीं मैंने उन्हें नहीं मारा। ज्ञान सर को मारने के इरादे से मैंने घर में चुराई हुई 6 गोलियां डाली थी और उनका पीछा करते करते मैं पंडारा रोड के जम्बो मॉल तक भी पहुंच गया था, लेकिन मेरी गाड़ी अचानक एक भिखारी से टकरा गई, इसलिए उसे देखने के बहाने मैं बाहर उतरा। लेकिन जब मैं वापस गाड़ी में आया तो मैंने देखा कि मेरी गन सीट पे से गायब थी। वो गन जो तुम्हारी गाड़ी से चोरी हुई किस कंपनी की थी? ग्रे मेटल कंपनी की थी, 9 mm बोर की थी। यही है वो पिस्टल? हाँ सर, यही गन थी। यही गन तो रूपल जी के हाथ में मिली थी। झूठ बोल रहा है सर ये। फोन करने के बाद ये गन इसी ने मार रखी थी और ये भिखारी वाली कहानी भी रची हुई है। ईशान, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी हिरासत में रहोगे, समझे? डॉक्टर कुंदन है क्लिनिक में? डॉक्टर कुंदन तो आज नहीं है। यही उम्मीद थी। कहाँ है इस वक्त? CID? क्या किया है डॉक्टर कुंदन ने? कल दोपहर 12:30 बजे पंडारा रोड के जम्बो मॉल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में रूपल जी के साथ खाना खा रहे थे। सर, रूपल जी तो उनकी पेशेंट है और अगर उनके साथ खाना खाया भी है तो क्या हुआ? क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद रूपल जी की मौत हो गई। क्या? तुमने आखिरी बार डॉक्टर कुंदन को कब देखा था? सर, परसों शाम को, और हमेशा की तरह वो अपना आखिरी पेशेंट अटेंड करके चले गए थे और मैंने ही क्लिनिक बंद किया था। मतलब क्लिनिक की 2 चाबियां हैं, एक आपके पास रहती है, एक डॉक्टर कुंदन के पास। जी सर, और बल्कि मैंने भी सर का काफी फोन ट्राई किया पर सर का फोन बंद था। और अगर फोन बंद है तो उन्होंने रूपल जी को रेस्टोरेंट कैसे बुलाया? केबिन कहाँ है उनका, जरा दिखाइए। खून से सने हुए बाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, बल्कि मुझे तो सर के केबिन में आने की परमिशन तक नहीं थी। परमिशन नहीं थी? लगता है खाना खाने के बाद कुंदन जी यहाँ रूपल के साथ आए, यहाँ पे उसका खून किया और फिर लाश वहां टिकाने लगा दी। सर, आपका अंदाजा ठीक निकला। सर ये देखिए, लेडीज सैंडल और खून में सने हुए ग्लव्स। ये तो रूपल जी के हैं। आपको कैसे मालूम? वो सर, एक्चुअली मुझे ना इन सैंडल्स का डिजाइन बहुत पसंद था, बल्कि मैंने रूपल जी से पूछा भी था कि उन्होंने ये कहाँ से खरीदे। अगर रूपल जी का खून डॉक्टर कुंदन ने किया है तो फिर ज्ञान जी को भी इसी ने मारा होगा। सर, एक बहुत अजीब बात है, डॉक्टर कुंदन एक साइकोथेरेपिस्ट है, फिर उन्होंने मेडिकल स्कूल में मुर्दों के परीक्षण की परमिशन क्यों मांगी? डॉक्टर कुंदन तो जिंदा लोगों के दिमाग का इलाज करते हैं, तो फिर मुर्दा घर में मुर्दों से क्या बात करने गए थे? चाहता क्या है आदमी? और डॉक्टर तारिका, कौन सी नई बात पता चली? सचिन, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञान जी का खून जिसने भी किया है, मगर गोली उतनी ही दूरी से चलाई गई है जहाँ पर रूपल बैठी थी मरी हुई। ये कैसे बता सकती हैं आप? ट्रेजेक्टरी टेस्ट के द्वारा। आइए सर, ये देखिए, गोली यहाँ से चली और यहाँ से बाहर निकली। डमी के अंदर जो होल है उसकी गोलाई भी उतनी ही बनाई गई है जितनी की उस गोली की थी, 0.9 mm। अब मान लीजिए मैं रूपल हूँ। रेडी सर, जरा प्लीज लाइट ऑफ करेंगे। यस। जब रूपल हमें मिली मरी हुई, तब उसके हाथ में गन इस तरह से थी। अब ये लेजर ये साबित करेगा कि जब ज्ञान जी पर गोली चली, तब
तब खूनी कितनी दूरी पे था और गोली किस एंगल से चली। ऐसा हुआ था सब कुछ। रेडी सर, जरा लाइट्स ऑन करेंगे प्लीज। यस। एक बात समझ में नहीं आ रही है। माना कि रूपल जी के हाथों में गन पाउडर लगा हुआ था, लेकिन जब ज्ञान जी की मौत हुई उससे पहले ही रूपल मर चुकी थी, तो फिर रूपल ने गोली चलाई तो चलाई कैसे? सर अगर ज्ञान जी को सामने से गोली मारी है तो फिर उन्होंने खूनी को देखा कैसे नहीं, और तो और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश कैसे नहीं की? रेडी, कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मौत को सामने से आता देख अपने आप को बचाना नहीं चाहेगा। आप सब लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए रेगर मॉर्टिस की थ्योरी के बारे में तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रेगर मॉर्टिस आखिर कैसे होता है। किसी भी आदमी के मरने के बाद उसके शरीर में केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं? उसके मरते ही कुछ घंटे के अंदर उसका ब्लड ठंडा हो जाता है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से सिकुड़ जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद रिगर मोर्टिस का असर शुरू होता है और इसकी शुरुआत चेहरे से होती है, और तकरीबन 12 घंटे बाद शरीर का पूरा खून जम जाता है और शरीर इतना ठंडा पड़ जाता है कि इसे हिला पाना नामुमकिन होता है। सर 48 घंटे से लेकर 60 घंटे के अंदर तक शरीर का सड़ना और गलना भी शुरू हो जाता है ना? करेक्ट, लेकिन इतने घंटे तक हम वेट नहीं कर सकते। हम लाश की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि उसे बाद में देखा जा सके कि उस लाश पे उस रिगर मॉर्टिस का कितना असर हुआ। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कोई मिलने आया है। ओके, एक्सक्यूज मी, मुझे कोई मिलने आया है। हेलो सर, ओके। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? Yeah, I'm good. आप किसी परमिशन लेटर के बारे में जानना चाहते थे? हाँ, वो डॉक्टर आरव, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुंदन ने इस लेटर के जरिए आपसे गुजारिश की थी कि वो यहाँ आकर देखना चाहते हैं कि मर जाने के बाद आदमी के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। डॉक्टर कुंदन, ह्यूमन साइकोलॉजी डॉक्टर, मैं जानता हूँ उन्हें। इन्होंने परमिशन ली थी, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। क्या कोई और आया था यहाँ पे राइगर मॉर्टिस की जानकारी हासिल करने के लिए? हाँ, एक लड़की थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, एक महीने में कई बार आती थी वो, और राइगर मॉर्टिस का लाशों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसे देखती थी, उसके बाद अपने नोट्स बनाती थी, उसके बाद हम लोग जो सारा दिन रिकॉर्डिंग करते हैं शाम को उसे भी लेके जाती थी। लेकिन इतनी टैलेंटेड और इतनी लगन वाली लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई विश के वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। और इस लड़की को डॉक्टर कुंदन ने भेजा था जी। आपको उस लड़की का नाम याद है? इसका नाम जिया, जिया था उसका नाम। जिया? सर कहीं ये वही जिया तो नहीं जिसने ईशान के खिलाफ गवाही दी थी? सर मेरे पास उसका नंबर है, ये देखिए। मैंने भी जिया को कई दफा कॉल किया, ये उसका नंबर। तो नंबर मैच करना। रिगर मॉर्टिस का असर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग पर भी होने लगेगा। सर, सर ये वही जिया है। ये वही जिया है। सर, कह रहे हो? डॉक्टर कुंदन ने रूपल को मारने से पहले जिया को यहाँ पे राइगर मॉर्टिस की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा, लेकिन क्यों? दया, तुम्हारे इस क्यों का जवाब है मेरे पास। जवाब है? सब कुछ वैसे के वैसे ही सेट हो गया है जैसे कि लाश हमें मिली थी। गुड, अब एक काम करो, तुम श्रेया के साथ लाश को ले आओ। सर, डॉक्टर साहब, यहाँ पे पुतला बाहर उस लड़की की लाश, अब यहाँ पर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ दया, बिल्कुल वही कर रहा हूँ, और मैंने ऊपर कैमरा भी फिट कर दिए जो सारी रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमें मॉनिटर पर पता चल जाएगा बाहर कि अंदर क्या हो रहा है।
सालों के सर, इस औरत की लाश का क्या करेंगे आप? अभी पता चल जाएगा श्रेया। तुम एक काम करो, इस लाश को उस कुर्सी पर ठीक वैसे ही बैठा दो जैसे रूपल की लाश मिली थी। ओके। और जल्दी करो, इसे मरे हुए 2 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट में रायगढ़ मॉर्टर सेट हो जाएगा। क्विक, फास्ट। ओके। गुड। गुड। तारिका, अब तुम एक काम करो, बाहर जाकर के मॉनिटर चेक करो, देखो कि सारे कैमरा सही तरीके की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। श्रेया, एक काम करो, इसके हाथ में वो गन वैसे ही पकड़ा दो जैसे रूपल के हाथ में थी। क्विक सर। और ध्यान से श्रेया, गन में गोलियां भरी हुई हैं। दया, बॉक्स में एक लकड़ी का पीस होगा, देखो जरा। ये हाँ। दया, लाश में रायगढ़ मॉर्टिस सेट होना शुरू हो गया। अच्छा, तो सर मॉनिटर रूम में चल के देखते हैं, देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग दिखाती है। चल। भैया, जैसे जैसे रायगढ़ मॉर्टिस लाश के चेहरे से उसके हाथों पर आता जाएगा, वैसे वैसे खूनी का चेहरा आईने की तरह साफ होता जाएगा। सर, जब ज्ञान जी को गोली लगी थी उस वक्त रूपल जी की मौत करीब 6 घंटे हो चुके थे, तो क्या हमें और 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार तो करना पड़ेगा दया, कुनी के दिमाग को परखना है तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं सर? श्रेया, अगर ये खून पहले से प्लांट था तो हो सकता है कि चिंटू को यहाँ पे जानबूझ के भेजा गया। चिंटू का यहाँ पे आके लाश देखना भी प्लांट, क्योंकि अगर चिंटू यहाँ पर नहीं आता तो हमें पता नहीं चलता इस लाश के बारे में। हो सकता है सर। सर, लेकिन चिंटू कह रहा था कि उसे यहाँ किसी औरत ने भेजा था। हो सकता है कोनी कोई औरत ही है। इस केस में 2 औरत है, एक ये रूपल जो मर चुकी है और दूसरी इस चिंटू को फौरन यहाँ बुला। चिंटू, इंस्पेक्टर श्रेया बोल रही हूँ सीआईडी से। देखो, तुम जल्द से जल्द पवन मिल्स में आ जाओ। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने जो कुछ देखा था आपको बता दिया। देखो चिंटू, घबराओ मत। तुमने बताया कि एक लड़की तुम्हें यहाँ पे लेके आई। जी सर। उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। क्या ये लड़की थी वो? सर, ये वही है सर। पक्का यही थी वो? यही है। इसका मतलब दोनों खून के पीछे जिया है। रजत, फौरन जिया के घर जाओ, उसे अरेस्ट कर लो। अब वही बताएगी कि यहां इस फैक्ट्री में हुआ क्या था। सीआईडी, वो भी इस वक्त? जिया जी, इतनी रात को आप शूटिंग रेंज में हो सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? क्या मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और एक मेडिकल स्टूडेंट को गन्स और गोलियों में दिलचस्पी? क्यों? मुझे शूटिंग का शौक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता, लेकिन मुर्दा घरों में जाकर रेगा मोर्टिस की पढ़ाई करना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पवन मिल्स में एक आदमी को भेजना ताकि वो गोली की आवाज सुन के सीआईडी को खबर कर सके, ये बात भी कुछ हजम नहीं हुई। जिया जी, मतलब आप लोगों को सब पता चल गया? जी हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे साथ एक और आदमी भी है जो तुम्हें ये सब काम करवा रहा है। बताओ कौन है वो? जी, वो मैं। हाँ।
हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया लेकिन सीआईडी के शिकंजे से नहीं निकल पाएगा। ये देख। हेलो। हाँ? क्या? ठीक है, तुम उस गन को संभाल के रखना, वो गन ही हमें खूनी तक पहुंचाएगी। ओके। क्या हुआ सर? किसी ने जिया पे हमला कर दिया। क्या? यानी खूनी कोई और ही है? हाँ डॉक्टर साहब, और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट दया। 5 मिनट के अंदर ये रायगढ़ मोर्टिस इसके हाथों पे सेट होना शुरू हो जाएगा। बस ये देख, ऐसे हुई थी मौत। पर अगर ज्ञान जी के सामने रूपल जी की लाश थी तो उन्हें वो लाश दिखी कैसे नहीं? इसका मतलब है जरूर कुछ तो होगा ज्ञान जी और रूपल जी के बीच, जिसकी वजह से ज्ञान जी को रूपल जी की लाश नहीं दिखी। लेकिन क्या? अंदर चल के देखते हैं सर। ये देखिए, बॉक्स का पिलर क्या है? है क्या इसमें? अरे ओ। ये है वो राज जिसकी वजह से ज्ञान जी के सामने बैठी हुई मौत उन्हें नजर नहीं आई। ये पर्दा देखो, दया ये छेद देख रहे हो पर्दे पे? पर्दे पर ये छेद गोली लगने की वजह से हुआ है। ये सर, इस तरफ बैटरी और सेंसर भी लगा हुआ है। बैटरी और सेंसर? यानी कि जैसे ही गोली चली इस पर्दे पे झटका लगा और उस सेंसर को पता चल गया और ये पर्दा बंद हो गया। इसीलिए जब हम लोग यहां पर आए थे तो हमें ये पर्दा नहीं दिखा। सर शायद जब ये गोली चली ज्ञान जी के ऊपर, खूनी यहीं पर था, बस सोच समझ के प्लानिंग की है उसने। मगर सर ये किसका काम हो सकता है? वही जिसे गन्स, गोलियां और राइगर मोर्टिस की बहुत अच्छी जानकारी है, और वो एक ही आदमी हो सकता है। गुड मायरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, राइफल हमेशा कंधे के लाइन में होनी चाहिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके सर। ओके ओके। अब गोली बिल्कुल निशाने पे लगेगी। मायरा, अनिकेत सर जो सिखा रहे हैं वो ध्यान से नहीं सीखोगे तो जिसने रूपल जी का और ज्ञान जी का खून किया उसके जैसा शार्प शूटर कैसे बनोगे? अरे सर, ये किसी का खून तो क्या, अंधेरे में किसी को जख्मी भी नहीं कर सकती है। सर जिया ठीक तो है ना? जिंदा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खूनी अभी भी पकड़ा नहीं गया। सर तो फिर आप लोग खूनी को पकड़ते क्यों नहीं? आप जानते हैं खूनी कौन है? खूनी को मैं नहीं तो सर। मगर हम जानते हैं कि खूनी इसी शूटिंग रेंज में। आप हम लोगों पे शक कर रहे हैं? शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि खूनी आप ही में से कोई एक है। कौन है वो? पहले आप ये बताइए कि शूटिंग रेंज में बिना चेकिंग के गोली या गन लाना या ले जाना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत चुस्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा ये देखिए,
ये वही गन है जिससे जिया पर हमला हुआ था। क्या इस तरह की गन आपके शूटिंग रेंज में इस्तेमाल होती है? नहीं सर, इस तरह की गन तो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर ये गन शूटिंग रेंज के अंदर आई कैसे? अच्छा, आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जिसकी इस शूटिंग रेंज में आते वक्त सिक्योरिटी जांच नहीं होती है? हाँ सर, एक तो ज्ञान जी और दूसरे अनिकेत सर। जब जिया पर हमला हुआ तब ज्ञान जी तो जिंदा थे नहीं, तो बचे सिर्फ अनिकेत सर। मैं ही खूनी हूं, मैंने ही रूपल का खून किया है। दरअसल मुझसे ज्ञान और रूपल का रिश्ता देखा नहीं जाता था। मैं रूपल को तब से चाहता था जब वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली और उसके गम में मैंने भी कसम खा ली कि मैं सारी जिंदगी कुमारा रहूंगा। लेकिन एक दिन अचानक रूपल के पति की मौत के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद किस्मत मुझे एक और मौका दे रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात रूपल को कहता, ज्ञान बीच में आ गया और मेरी आंखों के सामने मेरा प्यार और उसकी बेशुमार दौलत मेरे हाथों से खिसकती नजर आई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए रिगर मोर्टिस का अनोखा तरीका अपनाने के लिए तुमने पहले रूपल जी को मारा। हाँ, और उसके लिए मैंने डॉक्टर कुंदन और जिया की मदद ली। सर, रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस इंसान के मरने के ठीक 3 घंटे के बाद उसकी लाश में असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि लाश के शरीर का कौन सा हिस्सा कब सिकुड़ना शुरू होगा? सर, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगातार लाश का निरीक्षण और परीक्षण करेंगे तो इस लाश की एक एक पेशियां कहां और कब सिकुड़ने लगेंगी इसका ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद तुमने क्या किया? फिर मैंने रूपल की लाश को ले जाकर पवन मिल्स में रख दिया। मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। तुम देखते रहना डॉक्टर, मेरा वार भी खाली नहीं जाएगा। अब ऐसा करो डॉक्टर, तुम इस पिस्तौल को रूपल के दाहिने हाथ में रख दो। क्योंकि अभी तक रिगर मोर्टिस शुरू नहीं हुआ है, इसलिए पिस्तौल वाला हाथ दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। तुम कहते हो तो मैं मान लेता, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होगा। अभी देखो डॉक्टर। डॉक्टर, जब अकल, हुनर और कोशिश ये तीनों एक ही जगह जमा हो जाती है ना, तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज मिलती है, कामयाबी। अब आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर कुंदन कहां पे हैं? वो मेरे घर पर हैं। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। अनिकेत, दौलत की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। दो दो खून का डाले तुमने, इसकी तुम्हें एक ही सजा मिलेगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।